नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति किस तरह बदल रही है। जिस पर विश्वास था वो साथ छोड़ रहे हैं, और जिस पर अविश्वास है उसे साथ में ले लिए। हम बता दें, बात करेंगे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में बड़ी टूट की संभावना है। दोनों एक दूसरे के साथ थे। राष्ट्रीय जनता दल को पहले कांग्रेस ने मजबूत किया, अब वही राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को कमजोर करने में लगी है। 8 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, 9 सीट कांग्रेस कम मांगने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव के आने के बाद बड़ा बवाल हो गया है। पप्पू यादव चाहते हैं कि बिहार कांग्रेस को अपने मुट्ठी में ले लें, जिस वजह से भी आते हैं। हम बता दें, जमाल हसन है जो कि कांग्रेस के शुरू से जुझारू नेता कार्यकर्ता हैं। दुख तो आपको हुआ होगा, 8 सीट से ज़्यादा कर रही है, शुरू से परेशान कर रही है राजद आपको। ये परेशान करे तो नुकसान उसी को होना है। देखिए, एक बात तो सीधी बात है कि जो चुनाव आज की डेट में हो रही है वो पूरा देश जान रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। सिर्फ बिहार में कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस पूरे इंडिया में लड़ाई लड़ेगी भी बीजेपी के खिलाफ में। और दूसरी बात, जो सीट मांग हो रही है, पूर्णिया 2019 में भी हम ही लड़े थे, और आज भी पूर्णिया अगर हम दावा मांग रहे हैं किसी, इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या किया RJD वालों ने, कि जो जो सीट हमारी परंपरागत सीट थी, जैसे सासाराम, वो हमारी परंपरा उसमें उन्होंने उतार दिया, औरंगाबाद पर उन्होंने कैंडिडेट दे दिया, और पूर्णिया पर ड्रामा कर रहा है। और दूसरी बात, जो मधुबनी की बात कर रहा है, मधुबनी तो हमेशा से कांग्रेस की सीट रही, कभी वहाँ RJD ने सीट जीता नहीं है, वो हमारा ही सीट रहा, वहाँ भी उन्होंने ये गलती कर रहा है। तो इस तरह से नहीं चलता है। अगर आप गठबंधन में, तो गठबंधन का मुजफ्फरपुर तो दे दिया आपको, मुजफ्फरपुर दे, अब उनको वो सीट लग रहा है कि वो नहीं जीत पाएंगे तो वो हमको दे दिया। हमारी जो परंपरागत सीट है वो तो आप मुझे देंगे ना। उनका कहना है कि कांग्रेस का अब वोट बैंक खत्म हो गया, कांग्रेस है ही नहीं, अगर राष्ट्रीय जनता दल हट जाए तो कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिलेगी। अगर 2019 की बात करें तो 1 MP हमारा ही जीता हुआ, उनका 0 पर है। यही घमंड की बोली 2019 में उनको नुकसान पहुंचाई थी। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि आज यहां जितने भी लोग खड़े हैं ये सब कांग्रेस के सपोर्ट के विचारधारा के लोग हैं, सब कांग्रेस को देखेंगे तब उसके में गठबंधन RJD जो कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट करेंगे। यहां पर जितने लोग, आप उनसे एक बार मैं घुमा लीजिएगी कांग्रेस के साथ है कि RJD, जब कांग्रेस के साथ RJD होगी तब RJD होंगे, नहीं तो सिर्फ कांग्रेस होंगे ये लोग। तो ये समझने की जरूरत है कि जो सीट कांग्रेस लड़ी हुई है वो सीट तो वैसे भी ऑटोमेटिकली बनता है। दूसरी बात, जब गठबंधन में हमारे साथ अगर कोई पार्टी हमारे साथ नहीं रहा तो आप एक बार इतना थोड़े कि आप पूरे सीट पर नेतृत्व कमजोर इतना क्यों है? क्यों नहीं दावे के साथ कहते कि नहीं हमको इतना सीट चाहिए? लालू यादव के सामने झुक जाते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। हम लोग बस ये चाहते हैं कि नहीं कहीं पर अगर समान विचारधारा के हम लोग लड़ रहे हैं तो एक साथ लड़े। अगर वहाँ पर किसी को लालच ज़्यादा हो जाए तो लालच का शेयर भी तो आप देखेंगे, 2019 में आप 0 पर थे और हम 1 सीट जीतकर किशनगंज को लेकर हम 1 MP थे। अगर हमारा वोट शेयर नहीं तो हमारा 1 MP और आपका 0 MP। आज भी अगर आप देखिए तो आपका 0 MP। आपका प्रदेश नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं बैठ के बात किया? तो आप कह रहा है कि जो लालू जी जो कहेंगे वही होगा, ये बात ना, ऐसा नहीं बोला गया है कांग्रेस के। ये गलत है। 27 तारीख को बुलावा है, 27 तारीख को महागठबंधन के जितने भी RJD और कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली बैठेंगे, और नहीं अगर निष्कर्ष निकला तो फिर हम लोग भी तैयार हैं। हम वर्कर थोड़े ऐसे बैठेंगे, आप हमारी सीट पर लेते जाएंगे और जो सीट देते जाएंगे हम लड़ते चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। इसका मतलब है कि आप में दम नहीं। अगर आपके पास वोट शेयर था फिर क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों नहीं लड़ रहे मुजफ्फरपुर जो हमको दे रहा है? ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी परंपरागत सीट पिछली बार जो हम लड़े थे वो तो मुझे मिलना ही है। दूसरी चीज़ है कि मेरा मधुबनी परंपरागत सीट था, मधुबनी कांग्रेस खाते में ही जाना चाहिए हर हालत में। आप तो सिंबल भी बट गया, आप क्या करेंगे? सिंबल वापस लेंगे, नहीं तो लास्ट में क्या होगा? हम तो आला कमान के इंतजार में, आला कमान का जो फैसला होगा हम टोटल कांग्रेस पार्टी के वर्कर जो है उस उम्मीद से काम करेंगे। आला कमान का अगर फैसला होगा तो लड़ेंगे, क्यों लड़ने के लिए तो हम लोग नहीं लड़ रहे हैं क्या? बंगाल में अकेले लड़ रहे हैं आज हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी है। समझना ये RJD को चाहिए था कि 1 MP आज अगर बिहार में अगर है विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास, तो वो सिर्फ कांग्रेस के पास है, ये समझना होगा। तो क्या करेगा आप? राजद को सपोर्ट नहीं करेंगे? कांग्रेस ही जहाँ जहाँ राजद उम्मीदवार, आला कमान के भरोसे पर हम लोग बैठे हुए हैं। 27 तारीख का हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन हम पहले भी कह रहे हैं, मेरा आप मीडिया के माध्यम से भी आला कमान तक ये जानकारी भी जा चुकी है। अगर सब कुछ आपको बेहतर लगता तो ये आपके न्यूज में ये नहीं होता कि सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा, फूट चल रहा है। ये आपको भी पता चाहिए कि अगर हम लोग अगर RJD के सहारे पर चल रहे होते या हमारा आला कमान का दिया लालू यादव जी तो मान लेना चाहिए था ना, तब तो आप हमारे पास क्यों आते हमसे बयान लेने के लिए कि सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा? इसका मतलब आप भी जाने कि RJD कांग्रेस इस मामले पर टाइट बन चुका। दूसरी बात है कि पूर्णिया हमारी पिछली बार लड़ी हुई सीट है, पप्पू सिंह को हमने लड़वाया था, इस बार पप्पू यादव लड़ेंगे। दूसरी पप्पू यादव के आने के बाद कांग्रेस पे खलबले उचा रहे हैं कि पूरा कांग्रेस हाईजैक कर लेना, ऐसे कांग्रेसियों का भी कहना है, अचानक आए और कांग्रेस को हाईजैक कर लेंगे। देखिए, हाईजैक कुछ नहीं करा, काम करने वाला आदमी है, आया है पार्टी है वेलकम है, उसने अपनी पूरी पार्टी के विलय कर दिया है। सबसे बढ़िया था कि ये समझना चाहिए था कि पप्पू यादव की राजनीति RJD से शुरू हुई, लेकिन उनको अगर लगता है कांग्रेस का वोट बैंक शेयर नहीं है तो वो RJD में विलय करने की जगह कांग्रेस में क्यों विलय किए, ये समझने की जरूरत है ना। आज वक्त जो है कांग्रेस को ही पुकार है। जनता से अगर आप बात किए तो जनता कांग्रेस की बात करती है ना कि RJD की बात करती है। और RJD वालों को समझना पड़ेगा, खासकर लालू यादव और तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की जो परंपरागत सीट है उस पर खिलवाड़ ना करें। तो चले 27 तारीख का इंतजार है, उसको कांग्रेस
पूरी तरह विरोध पर भी उतर सकती है। हम बता दें, दरभंगा से ललित यादव और मधुबनी से मोहम्मद फातमे, कहा जाता है डॉक्टर शकील अहमद चुनाव लड़े थे, तो कांग्रेस की सीट रही है। तो लेकिन जो आक्रोश है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है। और देखिए यहाँ वार्ड नंबर 20 में है, कई लोग हैं यहाँ पर। क्या लगता है आपको, अच्छा लगा जो कांग्रेस को हाशिए पर रख रही है, कहे कि लालू यादव बजरुल हसन हमारा नाम है जी, और हम कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं। आज के दिन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में हमको भी, हम लोग भी को भी माना जाता, हमें भी माना जाता है। आपको बता दें कि 3-4 दिन पहले एक लिस्ट आया है, गठबंधन की राजनीति होती है वो हिसाब से कि हम 2019 में कहाँ थे, तो 10 सीट पर हम एक सीट जीते थे और 9 सीट पर हम लोग सेकंड में थे। तो हमारा जो 9 सीट है वो तो मिलना ही चाहिए हमको। दूसरे ये कि पप्पू यादव जो आए हमारे साथ, तो क्या उनकी पत्नी हमारे साथ नहीं थी क्या? क्या वो MP नहीं रही है? बेस्ट पार्लियामेंट का उसको खिताब नहीं मिला है क्या? लालू यादव को 80 सीट था 2019 में विधानसभा में, एक भी सीट क्यों नहीं जीते वो? हमको 80 सीट नहीं था, हमको 27 सीट था। तो हम तो एक MP तो करे कि जो कांग्रेस का जो बेस वोट बैंक है वो खिसक गया है, वो राजद के पास है या फिर नीचे के पास चला गया? सुनिए ना, अगर मेरा वोट बैंक खिसक गया है तो पूरे हिंदुस्तान में लालू यादव को, तेजस्वी यादव को निकलना चाहिए था जनता के बीच में। राहुल गांधी ने जो काम किया है वो किसी नेता ने किया है? एक स्टेट में कोई पूरे में नहीं निकल रहा है। आज राहुल गांधी को लोगों ने देखा है, तब तेजस्वी यादव निकले हैं सारे स्टेट में और सारे जिला में। तो ये समझना ना होगा आखिर। क्या लगता है कि कांग्रेस बनाम BJP की लड़ाई है? बिल्कुल है, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? गठबंधन बनाम BJP कर रही है। इंडिया वर्सेस BJP है। तो इंडिया का मतलब लालू यादव को और तेजस्वी यादव को भी समझना चाहिए कि इंडिया का मतलब क्या। आज क्या वजह है कि फातमी साहब वापस आ गए इंडिया में? अरे राजद ही में गए हैं लेकिन इंडिया में वापस आए ना, क्यों आए? वो तो मंत्री रह चुके हैं, 4 बार MP रह चुके हैं, यहाँ की जनता ने उनको वोट दिया, हमने भी वोट दिया गठबंधन।